पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला कारागार में बंद महिलाओं के हुनर का उजाला देश विदेश में फैल रहा है। बंदी महिलाओं द्वारा गोकास्ट से बनाई गई भगवान लक्ष्मी गणेश शिव परिवार की मूर्तियां और मिट्टी के दीपक स्थानीय मार्केट के साथ अमेरिका तक पसंद किए जा रहे हैं। इस कला को प्रोत्साहन देने के लिए आज लाइन पार्क स्थित रामलीला मैदान में आयोजित दीपोत्सव मेले में स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में महिला बंदियों द्वारा बनाए गए दीपकों और मूर्तियों का स्टॉल लगाए गए। ये स्टॉल 4 नवंबर तक संचालित किए जाएंगे। पहले दिन ही ग्राहकों की अच्छी रुचि देखने को मिली। जिला कारागार में बंद महिलाओं की हुनर की तूती अमेरिका तक बोल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के जरिए अमेरिका तक से मांग आ रही है। इस दौरान गौरी जैन ने बताया कि जेल में महिला बंदियों द्वारा गाय के गोबर से मूर्तियां और मिट्टियों के दीपक बनाए गए हैं। 4 नवंबर तक ये स्टॉल लगाया जाएगा। पहले 20 महिला बंदियों ने मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया था। इनमें रंग भरकर इन्हें आकर्षक बनाने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता हुई तो करीब 50 महिला बंदी और भी इस काम में लग गईं। अब 70 महिला बंदियों द्वारा गौकास्ट से मूर्तियां और मिट्टी से दीपक बनाने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। अच्छा, ये बताइए जो स्टॉल लगा है जी, किस तरफ से लगाया गया है? ये मुरादाबाद जेल में जो कैदी हैं, स्पेशली जो महिला कैदी हैं, उनकी तरफ से ये बनाया गया है। और ये सारी चीज़ें वो बहुत ही ऑनेस्टली बनाती हैं। किस तरह से ये तैयार करी है और किस चीज़ की ये बनी हुई है? ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देसी गाय के गोबर की बनी हुई हैं। और सारी चीज़ें वो लोग विदाउट मशीन बनाते हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। ये दीपक मुरादाबाद की जेल में जो महिला कैदी हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा ये मुरादाबाद के अलावा मेरठ जेल में भी बनाए जा रहे हैं और भी गांव आसपास मुरादाबाद के जो गांव हैं, हुसैनपुर के आसपास के गांव की लेडीज़ भी इन दीपक को बना रही हैं। ये देसी गाय के गोबर से बने हुए हैं और देसी गाय के गोबर के से बने हुए दीपक जो है ये पर्यावरण को बहुत शुद्ध करते हैं। मेन हमारा इसका मकसद ये है कि गाय को संरक्षण करना। गाय को खाली हम दूध के लिए ही ना पालें, और अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, अपाही जो बूढ़ी गाय हैं, तो लोग उनको अपने घर से निकाल लेना। वुमेन एम्पावरमेंट, नारी को हमारा वो देना है रोज़गार, जिसमें हम जेल के में भी लेडीज़ को रोज़गार दे रहे हैं। और अब ये नगर निगम का मेला लगा हुआ है विकास दीपोत्सव, जिसमें हमने ये दिखाया है कि खाली बाहर जो ये लेडीज़ काम कर रही हैं वहीं रोज़गार नहीं कर सकती, बंद जो है हमारी लेडीज़ प्रिजनर्स वो भी रोज़गार कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हमें अयोध्या में जो 7 लाख दीपक इस दिवाली पर जलाए जाएंगे, उनमें से 1 लाख दीपक जलाने भेजने का हमें सौभाग्य मिला। तो हमने ये अपनी मुरादाबाद की जेल, मेरठ की जेल और एक गांव आसपास के गांव हैं, मेरे नेबर हैं बहुत सारी, वो लोग बना रहे हैं, सबसे मिलके हमने इकट्ठे किए 1 लाख दीपक और वहाँ भेज चुके हैं। हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, 28 तारीख आज है, आज अयोध्या जी में हमारे दीपक पहुँच जाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।